और बॉलीवुड क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महाराज रुद्र प्रताप सिंह जी की हवेली है ये। आधी हवेली में होटल है, आधी उनकी। देश विदेश से लोग आते हैं, चाय नाश्ता खाना अपनी होटल से आते हैं। दोनों कमरा खोल दे। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना, समझा? वो कहाँ? उधर हुकुम और उनका परिवार रहता है, उधर जाने का हुकुम नहीं है, समझा? क्यों चला आया? अरे पकड़, चल। वो कौन है? कुंवर सा, रणविजय सिंह। कुंवर सा, रानी सा आपको अंदर याद फरमा रही हुकम। वो हमारे जितना बच्चा कौन है? वो भाटी के ढाबे पे काम करने वाला छोरा लग रहा है हुकम। लक्ष्मी, दिन हो गए, खड़ी हो जाइयो, लाज रख लीजिए हमारी। चल सो जा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है लफ्टर। हाय, अंदर कैसे? सोने के लिए कमरों मारो है तो बाहर जाके सो को इकट्ठिया बेंच पे। भाटी मामा साने मारे को यहाँ पे सोने को बोलिया है। चल जा, बैरो है के तो रोटी खाएगी जूता। अच्छा अच्छा, डारे है मारे से है? थारे से कोनी, डाकन है वहाँ पे। डाकन काय? डाकन भूतनी। अटे भूत भूत कोनी है वो? गई ए चल अंदर आके सो जा छोटू, चल अंदर आके सो जा। चल भूत ने सा डर लगा? मैं नहीं डरता, थारे पे दया आ गई इसलिए। अब चल चल, मारे को भूत ने से डर लगा है मारे। मैं हूं ना, चल 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 चल। भूत ने चरपाई वालों पे आती है, मारे को नीचे। चल चल चल। भाटी मामा, चाय तने बनाई है? अच्छा अच्छा बेटा, एक मिनट। ये चाय है तो जहर के होगो, नाम बदनाम करेगा मारो। चाय के होती है भाटी बतावेगा। अच्छा
ऐसी चाय नहीं पी कभी जिंदगी में, मजा आ गया। अरे बेटा बड़ी मशहूर है चाय में, चाय भाटी साथ चाय, बाकी सब जाए जाए, समझा? एक बार और बनाऊं? ए छोटू चल जा उठे साफ कर। ओ हड्डी हड्डी, तो अपना काम कर, बना एक बार और बना के जा, काम कर अपना। भाटी मामा चाय। बावला समझा क्या मैंने? मारी बनाई हुई चाय मन नहीं पिला रहे। साची मैंने अपने हाथों से बनाई है। झूठ बोल रहा है। सब करूं पर झूठ ना बोलूं। तन्ने बनाई है, हमारे सामने बना, ढाई प्लेट हमारे सामने बना, आजा। सीख इस बच्चे से, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी छुट्टी कर दे। सच्ची बोली मीरा, तू तो घना कारीगर है, हैं? मैं जो एक बार देख लूं, पढ़ लूं, वो सीख जाता हूँ। किताबें दिखाओ अपनी। तू अठे पैसे कमाने आया है के पढ़ने आया है? क्या करेगा पढ़ के? हाँ, क्या करेगा पढ़ के? हाँ? मने टाई पहन के बड़ा आदमी बनना है, नाम कमानो है। घना ऊंचा मत उड़, नीचे आजा बेटा, नीचे आजा। जा हवेली में चाय पहुंचा कर। हाँ, ये ले, चल पकड़। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माय गॉड एलन, कम वॉच दिस। वाओ, वेट अ सेकंड। ओके, वेट अ सेकंड। यू आर डी। थैंक यू। तू उंटली लगी हो? हाँ। काहे? घाव भरने पर उंटली को चलाना पड़ता है उसकी पैर की कसरत के लिए। अरे पर बताना चाहिए ना। लक्ष्मी खुद चली आई। लक्ष्मी खुद चली आई? आज उंटली लगे हो, कल क्या पतो, कोई काम को कोनी। निकालो बाटी सा। हाँ तू जैसे बड़ा काम का है ना, 5 साल में इसके जैसी चाय बनाना तो सीखा नहीं। इन फॉरेनर लोग को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ये तो राम जी भी ना जाने। तू एक काम कर, कल से रोज उठनी लेकर जाया कर, ठीक है? लक्ष्मी ले, तेरा खाना आ गया। महामहिम राष्ट्रपति कलाम आज लाखों करोड़ों बच्चों के प्रेरणा स्रोत हैं। जब वे स्कूल में थे तो स्कूल फीस देने के लिए वे अखबार बांटते थे। उनका विश्वास है कि इंसान अपने कर्म से अपनी किस्मत बदल सकता है। वे कहते हैं कि जिंदगी में सफलता 4 चीजों से मिलती है। पहला, जिंदगी का लक्ष्य तय करो। दूसरा, अच्छी शिक्षा। तीसरा, कड़ी मेहनत। और चौथा, धैर्य। अब आपको तय करना है कि आप किस्मत के भरोसे रहेंगे या कर्म के भरोसे। मर्सी, खाना बहुत अच्छा, वेरी टेस्टी। काई बोली? जीवन में तो ला गया। कलाम बहुत इंटेलिजेंट है। कलाम? कलाम कौन? इसकी भाषा में छोटू को कलाम बोले। कैन आई टेक हिम टू दिल्ली? बोल लिया कि मारे को दिल्ली ले जाएगी, शाला में डालेगी। मारी काई मती मारी गई है, जानना पहचान? अरे मैं कठे ढूंढूंगी थारे को, मारी कसम है जो इसके साथ जावे। What did she say? बाद में सोच के, thinking। ओके, मर्सी। तू भाटी भाई सा के पास ही राव जो, सुनी? रोटी दे रोटी। माणी जाके देखना पड़ेगा, इस गोरी मेम की नियत ठीक को नहीं लगे मने।
आपकी वजह से हमें फ्रेंच टेस्ट में ए प्लस मिला है। फर्स्ट मिलना चाहिए था। फर्स्ट ही तो है, ए प्लस माने फर्स्ट। अच्छा, हमें लगा कि आप गांव से वापस नहीं आए तो। और मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। बताइए ना क्या है? बताइए ना क्या है? गया। वाह, कड़ा। हम भी आपके लिए कुछ लेके आए। ये क्या है? खोल के देखिए। स्कूल वाले कपड़े पहन के दिखाऊं? चलिए हम भी पहनेंगे, आइए। अभी हमारे साथ स्कूल जा पाते तो कितना मजा आता ना। जाऊंगा, मैंने कहा है ना बड़े को स्कूल बनाएगा, उसमें जाऊंगा। तब तक तो आप भी इतने बड़े हो गएंगे। राष्ट्रपति कलाम साहब ने कहा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, समझा? आप झूठ बोलते क्या? आप हमारे दोस्त हैं, दोस्त होते तो बताते ना। मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर हमें बताया क्यों नहीं आपने? मैं हवेली कैसे आके बताता? ये सब आपका, और कोई लैपटॉप नहीं आपसे छीन नहीं सकता है। और आप कैसे चले जाते दिल्ली हमें छोड़कर? बोला ना, जाता भी तो तेरे लिए वापस आ जाता। चोट कैसे लग गई? घबराइए मत, खेल खेल में चोट लग जाती है। ऊपर आइए। हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी? हड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया। समझो कोनी, कल हिंदी भाषण प्रतियोगिता है, लिखेंगे कैसे? हाथ में चोट है। तू बोल, मैं लिख दूंगा। काश आप रुक पाते। फिकर मत कर, मैं लिख दूंगा। हमारी हिंदी थारे से अच्छी है तो मानता है? वो तो है। तो ठीक है, एक भाई लिखेगा, दूजा बोलेगा, तय रही। ओ आजा पुत्रा आजा, और रोटी छोटी से खवा दे। अभी लेके आता हूँ। दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली सोच रहा हूँ इस बार तेरे को ले चलता हूँ। दिल्ली जा रहे हो? आहो, मेरी एक चिट्ठी पहुंचा दोगे? अब बिल्कुल पहुंचा देंगे, चिट्ठी छोड़ मैं तेरे को पहुंचा दूंगा। सिटी में थोड़ा काम है, तू एक घंटे बाद मिल जाना, ठीक है? अब रोटी छोटी तो खवा दे यार। अरे माँ, तू थाने देखने चली आई, कहीं तू गोरी मैम के सागे तो नहीं चला गया? भाटी सा कठे है अंदर सो रहे हैं। चल साले। चोर? मैं चोर नहीं हूँ। मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ये चोर नहीं है। चोर नहीं है तो ये चीजें कहाँ से आई? ये कुंवर साहब के कपड़े, ये और ये किताबें। भाटी साहब, मैंने कहा था साहब चोर है। मैंने चोरी नहीं की मामा साहब। कांग्रेचुलेशन। गलती हो गई, क्षमा कर दो। छोरे मान ले, हुकुम दयालु है, क्षमा कर देंगे, मान ले। चोरी नहीं की बस। बाटी हुकुम, आज के बाद ये लड़का यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। नजर नहीं आवेगा हुकुम, आसपास के इलाके में भी नजर नहीं आवेगा हुकुम, क्षमा कर दो। भोजन के लिए पधारो कौन सा? आपने कलाम को कहीं देखा क्या? हमने आपसे कुछ पूछा है? माफी कोर्स, माफी। हुक्म के डर से मैं कुछ नहीं बोल सका, उसको पकड़ लिया चोर समझकर, मारा, वो भी कुछ नहीं बोला, मैं क्या बोलता? हुक्म उधर, हुक्म और मैं एक छोटा सा आदमी, कुछ नहीं कर सका मैं। आपके दोस्त को नहीं बचा सका, आपको एक
आपने कलाम के साथ ऐसा क्यों किया? कहना क्या चाह रहे हैं? कलाम ने चोरी नहीं की, वो चीजें हमने उनको दी थी। तो उसने बोला क्यों नहीं? वो हमारे दोस्त थे, हमें बचाने के लिए। बाबा साहब के डर से हम ये बता भी नहीं पाए। हम खेलते थे, लिखते थे, बोलते थे, और वो जो ट्रॉफी मिली वो भी उसकी वजह से। उसने लिखी, हमने बोली। आदरणीय राष्ट्रपति साहब, थोड़ी लिखी बहुत समझना, चिट्ठी को तार समझ के जल्दी जवाब देना। मैं ढाबे में काम करने वाला एक बच्चा हूँ जिसकी जिंदगी आपने बदल दी। मैं समझ गया कि हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है। बस इतना ही कहना है और हाँ, थैंक यू भी बोलना है। आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट कलाम। महामहिम ऐसे ही सबसे नहीं मिलते। वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, सबसे मिलते हैं। मुझे बस एक चिट्ठी पहुंचानी है। हाँ तो आप हमें दे दीजिए, हम उन तक पहुंचा देंगे। मैं उनके बाहर आने का इंतजार करती हूँ। नहीं बेटा, यहाँ नहीं रुक सकते आप। अब आप जाइए, आपके माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। आप मेरी चिट्ठी पहुँचा दोगे ना? क्यों नहीं बेटा, पहुँचा देंगे। अब आप जाइए।